और भाई लोग कैसे हो आप सभी, वेलकम बैक सभी लोगों को इस एक नई गेमिंग वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन अभी एक नया वर्ल्ड बनाएंगे क्योंकि पिछले वाला था सर्वर वर्ल्ड था, वो वैसे भी डिलीट हो गया था। तो भाई अभी मैं क्या करूँगा ना, एक अच्छी सी मैंने माइक्रोसॉफ्ट आईडी बना ली है, उस पे से अभी मैं उस पे माइक्रोसॉफ्ट आईडी से मैं अभी सब वर्ल्ड सेव करके रखूँगा। मतलब कौन सा भी मोबाइल हो यार, वर्ल्ड डिलीट ना हो। तो अभी इस वर्ल्ड का हम लेंगे नाम द केव फैमिली, ठीक है, द केव एफ ए फैमिली, ठीक है। और ये सर्वाइवल होगा, ये होगा ना नॉर्मली होगा, ठीक है। और फिर एडवांस सेटिंग में देखते हैं क्या क्या है। फ्लैट वर्ड नहीं, स्टार्टिंग मैप अपन को चाहिए, शो कोऑर्डिनेट अपन को चाहिए, ठीक है। और इमीडिएट रिस्पॉन्स भी अपन को चाहिए। और चंक्स 8 चंक पे रखते हैं अपन, ठीक है। मल्टीप्लेयर फ्रेंड्स सब, ठीक है, मेंबर होंगे वो, ठीक है, नहीं तो वर्ल्ड को कब क्रिएटिव कर देंगे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी चीट्स नहीं, चीट्स ऑफ ही रखना है अपन को, ठीक है। रिसोर्सेस क्या है ये, जो शेडर पैक्स, रिसोर्सेस पैक्स है, अच्छा मैं सिर्फ रिसोर्सेस पढ़ा, बिहेवियर पैक्स और एक्सपेरिमेंट्स वाली चीज़ें है ना, ठीक है। चलो सब बराबर है ना, देख लेते हैं और एक बार। बोनस चेस्ट ऑफी रखनी है, इधर अपन डालते हैं 666 डालते हैं, मैंने कल देखा था यूट्यूब पे, ये हॉरर कोड बताते हैं यार इसको, देखते 666 डालते हैं वर्ल्ड की सीट, यहाँ हॉरर सीट बताते हैं इसको। स्पॉन रेडियस 10 है, ठीक है। चलो क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा अभी मैं, ठीक है ना, क्यों फैमिली अभी क्रिएट होने जा रही है, ठीक है। लोडिंग, लेट्स गो। चलो लोडिंग रिसोर्सेस, चलो यार जल्दी, हाँ लेट्स गो। अरे अपन को पानी में क्यों स्पॉन किया है भाई, इधर लगता है विलेजर आउटपोस्ट है। हाँ भाई मैंने ये ना पीसी पे डाला था, ये जो कोड है ना मैंने पीसी पे डाला था, और मैंने ना 3 वर्ल्ड पीसी पे इस कोड से बनाया है। और जब आप भी ट्राई करना, आप पीसी पे ट्राई करना अगर आपके पास हो, नहीं तो मोबाइल पे भी ट्राई कर सकते हो। ये देखो ये जो कोड है ना 666, इससे जो है ना ये ऐसे ही वर्ल्ड स्पॉन होता है। और देखो आप हमेशा एक तो वाटर में स्पॉन होंगे, नहीं तो इधर होंगे, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा इधर होंगे, ठीक है। और ये होता है एक सैंड का आइलैंड, अबे मैंने मैप बना दिया, ठीक है जाने दो, ठीक है। और ये जो होता है ना ये इधर सब जंगल और ओक और ये ब्रिज के ट्रीज मिक्स मिलेंगे। और इधर सामने अगर आप जाओगे तो पिलेजर आउटपोस्ट दिखेगा आपको, ठीक है। मुझे सब पता है इस वर्ल्ड के बारे में। और आगे उधर सब जंगल है, उधर पूरा मतलब एरिया पूरा ख़त्म है, मतलब ये तो ये वर्ल्ड पे यार गाइस मैं सोच रहा हूँ ना ये वर्ल्ड ना ही तो ठीक है, क्योंकि ना इस वर्ल्ड मैंने एक्चुअली देखा हुआ है पूरा वर्ल्ड तो ना, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ना ये बहुत मतलब इस पे खेलना बहुत मुश्किल है। देखो पिलेजर आउटपोस्ट गया है किधर, वो मैं पहले ढूंढता हूँ। पिलेजर आउटपोस्ट देखते हैं, क्योंकि मैंने पीसी पे खेला है, पीसी पे तो था पिलेजर आउटपोस्ट था, अभी इन लोगों ने क्यों जो अलग किया हुआ वर्ड जनरेट करते वक्त तो पता नहीं, पीसी पे था तो अच्छा है, इधर नहीं है पर वर्ल्ड पूरा सेम है। अगर पिलेजर आउटपोस्ट हटा दिया तो पूरा वर्ल्ड सेम ही है, पिलेजर आउटपोस्ट हटा दिया ना तो पूरा वर्ल्ड सेम है, देखो भाई पूरा का पूरा वर्ल्ड सेम है भाई, इसमें मुझे मज़ा ही नहीं आएगा। हम एक काम करते हैं, सीड हटा के ना दूसरा वर्ल्ड ही जनरेट करते, इसको डिलीट कर देते हैं वर्ल्ड को यार, है मुझे मज़ा ही नहीं आएगा क्योंकि ना, अरे आपको मज़ा आएगा पर मैंने जो एक बार मैंने पीसी पे इस चैनल पे वीडियो डाली थी पीसी वाली, कि अपन पीसी पे और एक नया वर्ल्ड बनाएंगे और उधर एक सीरीज़ बनाएंगे पीसी सीरीज़, तो उस सीरीज़ में भी ना अपन ने 666 डाला था और इधर सब डर्ट वर्ट साफ, तो भाई नहीं दूसरा वर्ल्ड बनाया जाएगा। तो गाइज मैंने अभी एक नया वर्ल्ड बनाने को रख दिया है, तो इसमें मैंने कुछ नहीं रखा, वो पहले वाला डिलीट कर दिया, इसमें मैंने कुछ सीड वील्ड कुछ नहीं डाला है, सीधा अभी क्रिएट हो रहा है ये वर्ल्ड, ठीक है भाई। जो सीड्स होते हैं ना, मतलब जो मतलब 3 लेटर्स वाले, 2 लेटर्स या फिर 4 लेटर्स वैसे वाले सीड्स होते हैं ना, वो हमेशा एक ही, मतलब अगर आपने पीसी या मोबाइल कोई भी हो, मतलब जावा हो, पॉकेट हो, बेडरॉक कुछ भी हो, वो सेम ही देंगे। ये देखो फिर से अभी अपन वाटर में स्पॉन हुए, चलो ठीक है कोई ना, चलो अभी तो अच्छा वर्ल्ड मिले यार, मतलब अभी अच्छा मिले या बुरा मिले वो वाला नहीं मिला है, तो अपन को अभी इससे ही स्टार्ट करना है। अच्छा मिले बुरा मिले कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ यार क्या वर्ल्ड ले रहे हैं, इधर से डैमेज खाना पड़ेगा, क्या है यार ये ऐसे, अरे इसकी कैसे वर्ल्ड ले रहे हैं ये लोग, रैंडम सीड्स में वर्ल्ड ढंग से आ नहीं रहे यार, ठीक है
सर्वाइवल है वैसे भी तो अपन को। चलो जल्दी जल्दी वुड तोड़ते हैं और फिर अपना बेड वेड बनाएंगे, विलेज ढूंढने में लग जाएंगे गाइस फिर। ठीक है, विलेज ढूंढेंगे मस्त से अपन, और फिर विलेज में देखेंगे एक ढंग सी जगह जिधर अपन को घर बनाना है। फिर घर वर का डायमेंशन वगैरह देख लेंगे और फिर अगले बड़े में घर भी बना देंगे। फिर उसके बाद देखते हैं, फिर उसके बाद जो करेंगे वो अभी, फिर नहीं तो सस्पेंस बिगड़ जाएगा ना, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है जल्दी से, अरे क्रिएट हो जा भाई जल्दी, अरे क्लिक ही नहीं हो रहा है, अरे हो जा, क्या है ये मोबाइल। चलो एक क्राफ्टिंग टेबल, स्टिक्स 12 स्टिक्स, ठीक है ठीक है। अरे भाई हाँ चलो अभी एक पिकेक्स बना लेंगे बस, वुड अपन को वेस्ट नहीं करना है क्योंकि अभी इधर साइड में स्टोन है तो सी यही खोद देंगे भाई। सबसे पहले 3 ही खोदेंगे, उधर जाए लाते हैं स्टोन पे। नहीं ये भी ठीक है, ठीक ठाक फास्ट खोद रही है। अरे क्या है, मतलब मुझे ये वर्ल्ड अच्छा नहीं लगा, पर ठीक है बाद में देखते हैं आगे जाके कुछ अच्छा सा विलेज विलेज मिल जाए तो ठीक है, वरना तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अपन को इस वर्ल्ड में। कि विलेज जब मिलता है ना तब उधर के विलेजर से अपन लोग ट्रेड करके मस्त मस्त चीज़ें ले सकते हैं, पर जब ये ऐसा कुछ वर्ल्ड मिलता है जिधर विलेज मिलना बहुत मुश्किल है ना, तो बहुत मुश्किलें होती है भाई बाद में, मतलब बाद में स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होती है, बाद में होती है क्योंकि विलेज तो अपन को चाहिए हो जाता है ना विलेजर्स के लिए, ट्रेड करना है उनसे इसलिए। चलो अभी अरेंज कर लेते हैं अपनी इन्वेंट्री। ठीक है तो गाइस मैंने अपनी इन्वेंट्री अरेंज कर ली है, तो चलिए अभी अपन चलते हैं एक विलेज ढूंढने, मतलब इधर मुझे लगता तो नहीं है इधर किधर विलेज मिलेगा। ठीक है पहले मैं ये माउंटेन पार करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस देखो मैं ये 2-3 माउंटेन कब से पार कर रहा हूँ यार, मुझे पूरे 20 मिनट हो चुके अभी पार हुए, और ये देखो सामने और एक माउंटेन आ गया, क्या है छी ये ऐसा सब चलता है यार, जाने दो अभी फिर से ये भी पार करेंगे। तो गाइज़ ये देखो ये माउंटेन भी अपन ने पार कर लिया है भाई जी, मुझे थोड़ा सा खाना मिला था वो कुक करके, फिर से मैं वो भी ख़त्म हो गया, अभी पता नहीं यार जब खाना पर फिर से भूख लगी तो खाने का क्या करेंगे। ठीक है तो अभी अपन जब मैं विलेज ढूंढूंगा सीधा तभी आपसे मिलूंगा। ठीक है 1 hour later तो गाइज़ आप कोऑर्डिनेट चेक कर सकते हो, मैं कब से चले जा रहा हूँ। ठीक है आधे घंटे से चले जा रहा हूँ और अब जाके मेरे को ये विलेज मिल गया है। ठीक है भाई 32 बचे हैं अभी अपने पास, ये क्या बोलते हैं, अरे एक कितना लैग हो रहा है, 32 अपने पास बच्चे हैं लास्ट के मटन। ठीक है तो फाइनली विलेज मिल गया, अभी इस विलेज के आसपास ही, बाप रे गोलम गोलम भैया मेरे को जाने दो, अरे मतलब अगर मैंने विलेज पे इसके सामने अगर गलती से हाथ उठ गया ना, क्योंकि पीसी नहीं है कि माउस पे क्लिक करेंगे तो ही अटैक होगा, ये कब भी अटैक हो सकता है, ये देखो सिर्फ क्लिक करने पर अटैक होता है तो इसलिए डर तो लगता है भाई, अपने पास अभी कोई आर्मर वार्मर कुछ नहीं है ना इसलिए डर तो लगता है। तो देखते हैं जगह, अभी घर की जगह वगैरह सब डिसाइड करेंगे यार सॉरी तो चलो घर की जगह वगैरह डिसाइड करते हैं। मैं तो बोलता हूँ ना ये देखो इधर माउंटेन भी है, इधर ये विलेज भी है, ठीक है तो इधर अपन घर बनाते हैं, ये ज़्यादा जगह अपने को प्लेन भी नहीं करनी। ठीक है ये जगह परफेक्ट लग रही है मेरे को अभी तक घर बनाने में, और भाई मैंने मतलब क्या मतलब बुद्धूगिरी की, मैंने इतना टाइम वेस्ट किया ना, मैंने फर्नेस ही लगा, मैंने स्मोकर वोकर ट्राई ही नहीं किया। ठीक है जाने दो अभी चलो लेट्स गो, थोड़ा खाना खाते हैं, ये अपने घर की जगह पक्का हो गई गाइस, तो इधर के कोऑर्डिनेट में नोट ही कर लेता हूँ, नहीं तो बाद में यार जगह वगैरह भूलने का मेरे को डर रखना ही नहीं है। ठीक है तो अभी सोएंगे और फिर ये वीडियो एंड कर देंगे। ठीक चलो एक बार विलेज विलेज सब अब भी देख लो, मैं भी देख लेता हूँ, मतलब अभी रात होने वाली है तो इसलिए अभी मैं सो ही लेता हूँ, नहीं तो भाई अगर ज़ॉम्बी आ गए तो अभी मैं बस देखो सबसे पहले पी में ना मुझे इतना अच्छे से खेलना आता नहीं है भाई, ये देखो ये बंदे पहले ही सो जाते हैं, तो बंद कर यार। हाँ वेक विलेजर, अरे यार और ये इधर ही सभी तो कब से सो गया और अपन सो ही नहीं पा रहे भाई, मैं तो तेरे को हाथ नहीं उठाना तेरे में इसलिए मैं अपना साइड में होके खाना खा रहा हूँ। ठीक है तो देखते हैं कब सो पाते हैं। तो गाइज मेरे हिसाब से ना अब अपन को सोने को इनको अलाउ करना चाहिए। हाँ चलो भाई पहली रात विलेजर के सुसु वाले बेड पे। ठीक है भाई अबे हाँ चलो हो गया,
ढंग का माहौल अभी हो गया है, सुबह सुबह हो गई है, तो अभी घर वर का सब पक्का हो गया है, तो ठीक है। तो गाइस होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यार अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपका मन हुआ तो, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलने गए ऐसी मस्त मस्त गेमिंग वीडियो में आपसे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको अगर कुछ सर्वाइवल वर्ल्ड में आपको घर के आइडियाज़ हो अच्छे घर के तो कमेंट में बता देना, ठीक है। तो बाय गाइस।